व्हाट्स अप गाइस, आई एम प्रतीक राय और आज हम एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो कौन सा टॉपिक है वो आपको पता ही है, और मैं वैसे इस कंट्रोवर्सी वगैरह में पढ़ना नहीं चाहता हूँ ज़्यादातर, पर काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप भी इसके बारे में कोई वीडियो बनाएं, आपकी क्या राय है वो बताएं। तो मैं सोचा कि यार ठीक है, अपना ओपिनियन रखने में कोई बुराई नहीं है, तो सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, तो हम भी अपना ओपिनियन रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी तशरीफ़ रखते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मुझे टिकटॉक की तरफ से एक मेल आया था, पर उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले यूट्यूब के बारे में बात करते हैं। यूट्यूब क्या चीज़ है? देखिए, यूट्यूब एक गूगल का प्रोडक्ट है जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, और यहाँ पर भी पहले मोनेटाइजेशन नहीं हुआ करता था। मेरे को वो दिन याद है जब मैंने पहली बार वो न्यूज़ सुनी थी कि जब ये कहा गया था कि यूट्यूब भी कुछ परसेंटेज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जो वीडियो क्रिएटर है उसको देगा, और उसमें से कुछ कमाई अपने पास रखेगा। कितना रखता है, कितना देता है, आपको पता ही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि YouTube पे अगर आप वीडियो डालते हैं और आपका वेरीफाई अकाउंट हो जाए, अभी तो हाल में काफ़ी रूल बन गए हैं, पहले ऐसा कोई भी रूल नहीं था, आप वीडियो डालो और आपको वहीं से इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती थी। अब थोड़े बहुत रूल बन गए हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा छीछा लेदर होना शुरू हो गया था जैसा कि आप जानते हैं, तो इस वजह से YouTube ने कुछ रूल बनाए, और वेरीफाई अकाउंट होने के बाद तुरंत ही वो आपके अकाउंट में पैसे डालना स्टार्ट कर देता है, अगर आप कम से कम $100 तक पहुँच जाएँ या उसे क्रॉस कर दें तो, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आप YouTube से डायरेक्टली कमा सकते हैं, यानी कि आप उस पर जो मेहनत कर रहे हैं वो जाया नहीं जाएगी, वो आपको उसकी फल मिलेगा ही मिलेगा, कोई इसमें मतलब दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे इनकम सोर्स कि आप ब्रांड प्रमोशन वगैरह से कमाएं, तो यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और ऐसा नहीं है कि 54-58 में यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कई काफ़ी अदर ऐप देखे, मैं सिर्फ टिकटॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी अदर ऐप देखे हैं जहाँ पे काफ़ी कम रुपए में लोग अपने प्रोफाइल पे पोस्ट डालते हैं या तो वीडियो बनाते हैं उस पर कुछ भी। तो यहाँ पे यूट्यूब में मैंने ज़्यादातर जैसे देखा है कि 5,000 10,000 छोटा छोटा यूट्यूबर कम से कम वो कमा ही लेता है ब्रांड प्रमोशन से, नहीं तो अगर फ्री में भी करता है तो वो प्रोडक्ट अच्छा हो तो बिल्कुल वो उसको फ्री में भी करता है, प्रोडक्ट उसको मिल जाता है फ्री में तो वो कर लेता है। पर वहीं पे अगर हम अब टिकटॉक की बात करें, कुछ नहीं मिलता टिकटॉक से, हालांकि उड़ती उड़ती खबरें आती रहती हैं कि आगे चलकर कभी मोनेटाइज होगा, पर ऑफिशियली टिकटॉक की तरफ से कभी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि हाँ ऐसा हमारा कोई प्लानिंग है। और स्टार्टिंग में ऐड वगैरह भी नहीं आते थे टिकटॉक पे, तो चलो वो अलग बात थी, अब तो वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है टिकटॉक, अब उस पर भी ऐड वगैरह आने लग गए हैं, तो टिकटॉक हर जगह से बस कमा रहा है, पर कुछ बेचारे उन टिकटॉकर्स को कुछ नहीं दे पा रहा है, और शायद देना नहीं चाह रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं। और टिकटॉकर फिर भी कमा लेते हैं, कहाँ से कमाते हैं? ब्रांड प्रमोशन से। पर ब्रांड प्रमोशन कितना मिलता है, क्या मिलता है, कुछ नहीं पता। प्लस काफ़ी लोग इसलिए टिकटॉक ज्वाइन करते जा रहे हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं यार म्यूज़िक वीडियो में ये बंदा आया हुआ है, ये टिकटॉकर था। तो मैं आपको बता दूं कि कितने लोग आए हैं म्यूज़िक वीडियो में और टिकटॉक पे कितने लोग हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखाता हूँ जिसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने आज के टाइम पे टिकटॉक इंडिया में चल रहा है, और ये आप देख सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा फालतू गिरी करने वाले यहीं पे हैं लग रहा है इस ग्राफ को देखकर। और साथ ही साथ चाइना में भी इतना यूज़ ये नहीं होता जितना ये इंडिया में यूज़ हो रहा है, और ये इंडिया से जितना कमा रहा है, खुद जो इसका ओनर है उसने इंडिया को धन्यवाद दिया था कि मुझे यहाँ से इतनी इनकम जनरेट हो रही है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इंडिया। और स्टार्टिंग में इसमें कुछ छीछा लेदर भी होते थे, मतलब उल्टे सीधे वीडियो भी डलते थे, तो कुछ समय के लिए बैन किया गया था इसे। मेरे को थोड़ी सी इससे परेशानी है कि ये चाइनीज़ ऐप है, थोड़ा बस खटकता है, पर चलो उसको भूल भी जाएं क्योंकि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट कर सकती है, उसे बैन कर सकती है, पर वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कर सकते हैं, उसका बहिष्कार कर सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं, पर मुश्किल है ये चीज़ क्योंकि आज के टाइम पे काफ़ी लोग टिकटॉक पे एक्टिव हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं यानी कि फॉलोअर कमा चुके हैं, पर पॉपुलर होना इट्स नॉट बीइंग सक्सेसफुल। तो पॉपुलर होना ठीक है, आप पॉपुलर हैं, पर अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं यानी कि आपकी कोई इनकम नहीं जनरेट हो रही है उस पॉपुलरिटी से, तो वो काफ़ी ख़तरनाक है, ये आयुष्मान खुराना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। और साथ ही साथ आप नेहा कक्कड़ की वो मैं बात याद दिला देता हूँ, जहाँ कुछ समय पहले ही उन्होंने खुलासा किया है कि उनको बॉलीवुड से एक भी रुपया नहीं मिलता था सिंगिंग करने का, जो वो इनकम कमाती थी सिर्फ स्टेज शो से कमाती थी। तो
तो चलिए स्टेज शो से कमा तो लेती थी, वहाँ कुछ उनको इनकम तो मिल जाती थी परमानेंट, और अब वो रियलिटी शो वगैरह करती हैं तो उनको वहाँ से भी इनकम अच्छी खासी जनरेट हो जाती है। पर यहाँ पे क्या है, टिकटॉक पे जो म्यूज़िक वीडियो में भी आ रहे हैं लोग, क्या उनको कोई इनकम मिल रही है नहीं मिल रही है इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वहाँ पे छोटे मोटे शोज़ ज़रूर होते रहते हैं टिकटॉक की तरफ से। देखिए, मान लिया आपको सॉन्ग मिल गया और शायद उसमें कुछ आपकी इनकम भी हो गई, पर सॉन्ग रिलीज़ कहाँ पे होते हैं? यूट्यूब पे ही ना, तो घुमा फिरा के तो आना यहीं पे है। तो सीधी सीधी बात यही है कि यूट्यूब के बिना इस इंडस्ट्री का कोई भी काम नहीं चलने वाला। और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनको ज़रूर टिकटॉक कुछ इनकम देता है, अंदर की बात यह है कि उनको ज़रूर टिकटॉक पे रहने के लिए कुछ इनकम देता है, यानी कि पहली बार आईडी बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो देता ही है। तो ये हुई बात। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि घर से उठकर और मैं टिकटॉक पे फेमस होकर बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल हो जाऊंगा या वहाँ से पॉपुलैरिटी मेरी बहुत हाई लेवल पे पहुँच जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। जो सॉन्ग में आ रहे हैं, जो टिकटॉकर्स या इतने ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उस लाइन में है भैया। ये भी आप देखिए, वो घर से उठ के नहीं कोई वहाँ उतना ऊपर पहुँच गया है, वो ऑलरेडी उस लाइन में हैं। चाहे वो स्ट्रगलिंग एक्टर ही थे, चाहे वो हाथ पांव अभी मार ही रहे थे, पर वो थे वहाँ पे, वो वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। तो ये बात को आप गार्ड बांध लीजिए अपने दिमाग में कि ऐसा नहीं है कि आप घर से उठकर और तुरंत पॉपुलर हो जाएंगे टिकटॉक के थ्रू। हाँ, ज़रूर ये एक प्लेटफॉर्म है आपको आगे बढ़ने के लिए, ज़रूर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, और कोई बुराई नहीं है इस चीज़ में, मेरा मानना यह है। और साथ ही साथ, तो काफ़ी देर एक जगह बैठे बैठे बोर हो गया था मैं, सोचा थोड़ा जगह चेंज कर लें, थोड़ा एंगल चेंज कर लें। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है यार, ज़्यादा हिल डुल पा नहीं रहे। तो फिर आते हैं अपने टॉपिक पे, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। काफ़ी लोग ऐसा भी बोल सकते हैं यार, प्रोफेशनल वर्क वर्सेस चिंदीगिरी, पर मैं आपको बता दूँ यार, ऐसा भी नहीं है। देखिए, वर्सेस वैसे मैं रखना नहीं चाहता, क्योंकि यार यूट्यूब एक अलग प्लेटफॉर्म है और टिकटॉक एक अलग तरीके का प्लेटफॉर्म है। जो लोग ये बोलते हैं कि टिकटॉक पे ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो कुछ ऐसे टिकटॉकर भी हैं जो काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, चाहे वो कुछ भी बन के बनाते हों, पर बनाते हैं यार, मेहनत लगती है वहाँ पर भी। और इंस्टाग्राम ऐसा है कि वहाँ पर सब आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। और इंस्टाग्राम को मैं बीच में क्यों लाया हूँ, क्यों कुदाया हूँ, यहाँ तो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि जितना आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पॉपुलर नहीं है, यानी कि उस पर एक्टिव लोग नहीं है, उससे ज़्यादा एक्टिव लोग इस टाइम पे टिकटॉक पर हैं। तो आप टिकटॉक की इस टाइम पे पॉपुलैरिटी इंडिया में जान ही सकते हैं कि कितनी हो चुकी है। सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, और देशों की नहीं। तो ये हाल है। और एक मैं वीडियो के बारे में आपको बताना चाहूँगा, मुझे याद आया, फ्लाइंग बीस्ट, अगर आप जानते होंगे, गौरव सर हैं उसमें, और उनकी वाइफ जो रितु मैम है, उनने एक बात कही थी कि अगर रिक्शा वाला भी आज टिकटॉक पे है, अगर उसको उसे यूज़ करके कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो इसमें बुराई क्या है। तो मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, पर असल बात तो यार ये है कि बेनिफिट तो कुछ नहीं हो रहा, पर हाँ, अगर उसको इससे कोई खुशी मिल रही है तो अच्छी बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अब मैं आता हूँ उस मेल पे, आपको दिखाता हूँ इस साइड वो मेल जो मुझे आया था टिकटॉक की तरफ से, और उनने ज्वाइन करने के लिए मुझे ऑफ़र किया था टिकटॉक पर। मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया वहाँ पे, और मैं सोचा यार छोड़ो यार, क्या करना आके। और उसके बाद जब मैंने काफ़ी टाइम तक सोचा, और मैंने सोचा कि यार चलो इनको एक मेल करते हैं कि मुझे कुछ ये ऑफ़र करेंगे कि नहीं, तो मेरे दिमाग में तो वही था कि हाँ कुछ बेनिफिट मुझे मिलेगा कि नहीं, मैंने बस यही मेल किया था। और जब मुझे मैंने देखा कि इनका मेल वापस रिप्लाई नहीं आ रहा मेल का, तो मैं समझ गया कि ये उस बेनिफिट को उसी तरीके से ले रहे होंगे कि मुझे कुछ ये मतलब पेमेंट करेंगे कि नहीं वीडियो बनाने का। तो कोई भी रिप्लाई नहीं आया। पर जैसे ही मैंने अगले दिन उस बात को घुमा दिया, यानी कि अगले दिन मैंने मेल किया, मैंने बोला कि मेरे कहने का मतलब ये है बेनिफिट से कि मुझे वेरीफाइड अकाउंट मिल सकता है कि नहीं, तो तुरंत के तुरंत टिकटॉक के मैनेजर का मेल आया। देखिए, आप टाइमिंग भी देख सकते हैं वहाँ करेक्ट, कि उनने बोला कि हाँ बिल्कुल आपको मिल सकता है, आप अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करके सारी बातें वहाँ पे समझाऊंगा। देखिए, तो वो वेरीफाई अकाउंट देने के लिए तैयार है, पर पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। तो सीधी सी बात है कि टिकटॉक आपको कुछ बेनिफिट नहीं देगा उस तरीके से जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने टिकटॉक को मेल कब किया, जब मुझे एक और जो ऐप है उसके थ्रू मुझे मेल आया, और उन्होंने कहा कि हम आपको पे करेंगे,
यानी कि आप जितनी वीडियो डालेंगे उसका 15 दिन में या मंथली पे करेंगे, तो वहाँ से मुझे पेमेंट मिल रही है। और वो कौन सा ऐप है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेन टॉपिक है यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक। जिस तरीके से अगर आपकी थिंकिंग है कि हाँ टिकटॉक से भी मुझे कुछ बेनिफिट मिल सकता है या कमाई मिल सकती है, हाँ ये एक प्लेटफॉर्म है, एक सीढ़ी है जिसके थ्रू आप सक्सेस की सीढ़ी तक जा सकते हैं, गारंटी नहीं है, हैं। पर YouTube ऐसा है कि वहाँ पे आप अपनी मेहनत का जो है बेनिफिट तुरंत के तुरंत पा सकते हैं, कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा ही आपको। और अगर आप अच्छा काम YouTube पे कर रहे हैं, और ज़्यादातर वही कंटेंट YouTube पे चलते हैं, कुछ भी नहीं चलता, TikTok ऐसा है कि वहाँ कुछ भी चल जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं तो ही आप चल सकते हैं। वहाँ पे आपको एक ही कंटेंट काफ़ी बार कॉपी होते हुए दिखेगा, एक बंदा होता है जो मेहनत असल में वहाँ पे करता है, और उसके बाद उसकी मेहनत पे जब पानी फिरता रहता है तो वहाँ नीचे कॉपी, मतलब जो वीडियो कॉपी होती है वो पानी फिरना ही है मेरे ख्याल से। तो उसके बाद और वहाँ पे प्लस ये है कि कॉपीराइट वगैरह कुछ होता नहीं है, तो दिक्कत ये भी है एक बड़ी चीज़, क्योंकि जब वहाँ पे मोनेटाइज ही नहीं हो रहा उस चीज़ का तो कॉपीराइट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। साथ ही साथ ये रूल भी है कि 30 सेकंड तक आप किसी भी म्यूज़िक को यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे म्यूज़िक का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यार मेल जब मुझे आया ये, तो मैंने सोचा यार मैं वेरीफाई अकाउंट लेके करूँगा क्या, जब मुझे कुछ वहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा तो मैं वेरीफाई अकाउंट लेके करूँगा क्या, उतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वही मेहनत सिर्फ मैं YouTube में डाल दूँ तो मुझे अच्छा खासा बेनिफिट होगा। देखिए मेरा एक दोस्त है जो काफ़ी मेहनत करता है यार, काफ़ी मेहनत करता है वो TikTok पे, मैं देखता हूँ उसको, और काफ़ी अच्छे फॉलोअर भी हैं उसके, पर वहीं पे जब बात आ जाती है इनकम की तो इनकम उसकी कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से वो जितनी मेहनत वहाँ पे करता है अगर उस हिसाब से उसको इनकम वहाँ पे मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर मैं TikTok को बोलूँगा हाँ भाई वेलकम इन इंडिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आप समझ ही सकते हैं। देखिए अगर आप TikTok यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, बिल्कुल यूज़ करिए, पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज़ करिए, ये मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं यार मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे लाइक नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हो गया मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ TikTok पे। पर ऐसा सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, यानी कि कोई आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप बस एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करिए, इंजॉय करिए उसे, सिर्फ इतना ही। तो मेरे ख्याल से मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ अपने ओपिनियन के बारे में, TikTok के बारे में, YouTube के बारे में। तो आज की वीडियो को यहीं पे अल्प विराम लगाते हैं, तो खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए, वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, सी यू अगेन।